this is the second time I'm watching this film. And I will really, really watch it as many times I find time and opportunity to see it. मेरा रिलेशन ब्रह्मा बाबा के साथ जेलिसी से शुरू हुआ 5 साल पहले. मुझे ऐसा फील हुआ कि इतने सारे लोग उनको, और मैंने जो माउंट आबू में देखा, आई सॉ वन ऑफ द दीदीज व्हाइल लीविंग फ्रॉम दैट प्लेस सेइंग बाय बाबा लव यू. सो आई वॉज वंडरिंग हु इज दिस गाय. सो फ्रॉम जेलिसी टू रिकग्नाइजिंग हिम टू सीइंग दिस फिल्म, आई थिंक ट्रांसफॉर्मेशनल फिल्म बनाई है. बिकॉज जो औरत की स्थिति उस टाइम पे थी, आज बहुत कुछ मेरे हिसाब से बदला नहीं है. तो आज भी हमको ये, आई नो पीपल ब्रांडेड थिंग, ओके वाइट वाइट पहनते हैं ब्रह्मा कुमारी वाले होंगे, बट जब तक आप सेंटर में जाएंगे नहीं, जब तक आप कोर्स करेंगे नहीं, जब तक आप वहां जाके, मैंने ऐसे लोग देखे हैं मेरे लोग मेरे सेंटर के बाजू में जो नीचे हैं, आसपास हैं, जो सामने के दरवाजे में हैं, उनको अंदर घुसने में 7 साल लग जाते हैं. That is my personal experience. So, जो destiny driven लोग हैं, ये destiny से आपको मिलेंगे. और कौन नहीं जानता बाबा को? बाबा को मैं जब बॉम्बे आया 75 रुपीज लेके, तब से जानता हूँ. तब से मैं उनके, जो उनके मन में, मतलब पूरे दिन मेहनत करो और रात को उनके भरोसे होके छोड़ जाओ. As human beings हम ये जानते हैं, लेकिन उसको ऐसा स्टडी करना. I think he has made a brilliant film. I met him last time also and congratulated him. I saw an 80-year-old man crying after watching the film. While watching the film, I cried. So I think this film should reach as many people as possible, and people will get transformed by this because it is a simple message, very simple message. अगर कूदोगे नहीं तो तैरोगे कैसे? और पूरा का पूरा तो हमें लगता है हम कुछ करते हैं, हम कुछ नहीं करते, सब बाबा करते हैं. तुम्हें सब छोड़ के तुम अपनी पूरी मेहनत करो और बाकी बाबा पे छोड़ो. ओम शांति.